बिग बॉस के बाद बदले सिद्धार्थ शुक्ला के तेवर आसिम रियाज़ और रश्मि संग लड़ाइयों को सोच कर आती है हंसी। वेल हेलो गाइस, मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं बिग हेडलाइंस। दोस्तों, बिग बॉस 13 में सिद्धार्थ शुक्ला की आसिम रियाज़ और रश्मि देसाई के साथ कई बार जबरदस्त लड़ाई देखने को मिली थी, लेकिन शो से निकलने के बाद सिद्धार्थ को इन लड़ाइयों को देख कर हंसी आ रही है। एक इंटरव्यू में एक्टर ने बताया है कि अब उनका आसिम और रश्मि संग कैसा इक्वेशन है। दोस्तों, एक वेबसाइट से बातचीत के दौरान सिद्धार्थ शुक्ला ने कहा है कि जब मैं कभी बैठकर उन सभी चीजों के बारे में सोचता हूँ तो मुझे उन लड़ाइयों पर हंसी आती है। मुझे उम्मीद है कि मेरा अब रश्मि देसाई और आसिम रियाज के साथ बॉन्ड बहुत ही कूल होने वाला है। जब भी कभी मैं उनसे मिलूंगा, मुझे लगता है कि शो खत्म होते वक्त जैसा हमारा इक्वेशन था, वैसे ही बॉन्ड हम शेयर करेंगे। मैं जिंदगी में आगे बढ़ना पसंद करता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे आसपास जो भी हो, सभी के साथ मेरा अच्छा रिलेशनशिप रहे। अब हमारे बीच सब कुछ ठीक है। जब भी मिलेंगे, मुझे यकीन है कि हम सब खूब ज़्यादा इंजॉय करेंगे। बता दें कि शो में पहले आसिम और सिद्धार्थ के बीच भाइयों की तरह प्यार था, लेकिन एक महीने के बाद उनकी लड़ाइयाँ होने लगी। कई बार वो दोनों एग्रेसिव भी हुए, उन्होंने एक दूसरे को धक्का भी मारा है। तो वही रश्मि के साथ भी सिद्ध की लड़ाई काफ़ी चर्चाओं में थी। साथ ही साथ दोस्तों, जब सिद्धार्थ शुक्ला से टीवी के अपकमिंग प्लान्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कईयों के साथ मेरी बातचीत चल रही है, इसके अलावा मैं फ्यूचर को प्लान करने में यकीन नहीं रखता हूँ। मैं वर्तमान में जीना पसंद करता हूँ, अपना बेस्ट देता हूँ। दोस्तों, इसको लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट करके जरूर बताएं। और आप बिग बॉस 13 को कितना मिस कर रहे हैं ये भी बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।